देश विदेश में फतेह टीवी देख रहे समूह दर्शकों का रणजीत सिंह खालसा वालों एक बार फिर निघा स्वागत है। सो प्यारे दर्शकों, अज असी मुड़ तुहाडी सेवा विच हाजिर होए हाँ अपना प्रोग्राम लैके पंथक सरगर्मियां। पंथक सरगर्मियां दे इस प्रोग्राम का असी आगाज करांगे उत्तराखंड विच स्थित गुरु नानक साहब की चरण छोह प्राप्त धरती ते सुशोभित स्थान गुरद्वारा नानक मत्ता साहब तो, जिथे कि पिछले दिन ही आयोजित किए गए गुरमत समागम में उचेचे तौर पर भाग लैण लई श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार सिंह साहब ज्ञानी रघबीर सिंह जी विशेष तौर पर पुजे। गुरु दरबार में नतमस्तक होने उपरंत पत्रकारां दे नाल गलबात करदे होए श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब ने कहा कि मौजूदा समय दीआं गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर अपने फर्जा की अदायगी संगतां दे सहयोग दे नाल करन अते खास करके धर्म प्रचार की मुहिम नूं होर प्रचंड करन। सो आओ देखिए किस ढंग दे नाल सिंह साहब ज्ञानी रघबीर सिंह ने अपने शब्दों का प्रगटावा किया। अज सतगुरां ने बड़ा सुभाग बख्शिश किया कि धन गुरु नानक देव जी महाराज जी के चरण छोह मुबारक धरती छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जी की पावन चरण छोह मुबारक धरती से दर्शन दीदारे करन दा सुभाग जिहड़ा गुरद्वारा नानक साहब मत्ता साहब जी विखे वो सतगुरां ने नसीब किया। और ये वो पावन पवित्र धरती है जिथे धन गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह ने सिद्धा रुकारा मातों छड़ के वहमां भरमां दा त्याग करके और एक परमेश्वर की बंदगी करन वाले पासे प्रेरिया। और धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज सच्चे पातशाह ने उस वक्त जब गुरु सतगुरु चरण पाए तो इत्थे मौजूद सिद्धा ने सतगुरां दे कोलों सिक्ख्या मंगी कि सतगुरु जी सानूं की सिक्ख्या दिंदे हो। तो उदों ही सतगुरां ने चार गल्लां दा त्याग करन वास्ते उन्हें सिद्धा नूं जिहड़ी प्रेरणा दित्ती सी। साडा वी सब दा फर्ज बणदा है कि जिस पावन स्थान ते असीं दर्शन दीदारे करन वास्ते पहुँचदे हाँ उत्थों सानूं की उपदेश मिलदा है, उत्थों दा इतिहास की है और उहदे मुताबिक सानूं सारिआं नूं भी आपणा जिहड़ा जीवन है उहनूं बसर करन दा यतन करदे हां। विच इह बेनती जरूर करदा कि गुरद्वारिआं ते कब्जे ते गुरद्वारिआं दीआं गोलकां नूं लै के लड़ाइयां जिहड़ीआं ने उह देशां प्रदेशां दे विच हो रहीआं, हिंदुस्तान दे विच वी है, हिंदुस्तान तों बाहर जाके देखिए उत्थे वी है, बहुत सारे झगड़े साडे कोल ऐसे चलदे ने लिख के साडे कोल आउंदा है। और सानूं सारिआं नूं नाल लै के ठीक है जेकर कोई युगवधान संविधान बणिआ हुंदा है कि जो कमेटी बहुमत लै के बण जांदी है उह सेवा संभाल करदी है, दूजिआं नूं सहयोग करना चाहीदा है और जिहड़ी कमेटी है उहनूं दूजिआं दा सहयोग लै के तुरना चाहीदा है तां कि असीं अपने भाईचारक सांझ और जिहड़ा साडा भरातरी भाव है जिहड़ी साडी सिक्खी दी गुरमत दी सांझ है उहनूं वी असीं बना के रखीए ते सब दा सहयोग लै के। सो असीं हुण गल करांगे श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की साबका प्रधान बीबी जगीर कौर की, जिन्हां ने एक बार फिर श्रोमणी अकाली दल के उन्हां आगुआं नूं अपना मुड़ निशाना बनाया है जिन्हां ने पिछले दिन ही संपन्न हुई श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रधानगी चोण दे विच उन्हां नूं हराण दे लई श्रोमणी अकाली दल के समुचे ढांचे नूं दाह ते लगाया। इस संबंधी उन्होंने पिछले दिन ही चंडीगढ़ विखे पत्रकारां दे नाल गलबात करदे होए कहा कि श्रोमणी अकाली दल के प्रमुख आगुआं ने कांग्रसी अते होर दूजियां पार्टियां दे आगुआं नाल मिली भुगत करके उन्हां नूं हराण दी वड्डे पद्धर ते कोशिश कीती ते खास करके श्रोमणी कमेटी दे मैंबरां दे उत्ते उन्हां ने अपना भारी राजनीतिक दबाव भी बनाया। सो आओ देखिए किस ढंग दे नाल बीबी जागीर कौर ने अपने शब्दां दा प्रगटावा करदे होया एक खुलासा किया कि मैंबरां नूं उत्थे इन्हां दी मदद करनी सिर मैं इस करके करना सर मैं तां तुहानूं बुलाया ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲ ਗਈਆਂ? ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਦਬਾਅ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਚਲੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗਈਆਂ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਿਆ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਆਪ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਬਾਈਕਾਟ 92 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ 92 'ਚ, ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਈ ਸੀ ਕਿਸੇ MLA ਨੂੰ 3000, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2500, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2500, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ MLA ਜਿਹੜੇ ਸੀ 2216 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਜਿਹਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੋਟ ਜੇ ਭੁਗਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣੀ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਤਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹੇ
कि मेरा कोई वर्कर जरा कोई वोटर जरा साढ़ा वोट ना पावे इस बाइकट किया हो पंजाब के हालात करके कह लो या क्यों किया ना बाइकट अज भी सारे कोई कांग्रेस की मदद कर रहे हैं कोई बीजेपी की मदद कर रहे हैं कोई आम आदमी पार्टी की कर रहे तिने पार्टियां की मदद से क्यों है क्योंकि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी उन्होंने मदद लैनी सी सो हालात जोड़े इदा के बन चुके हैं कि श्रोमणी अकाली दल अज बड़ी खतरे च पई हुई पार्टी है इन्होंने दा दिलाता सारी ताकत जी श्रोमणी अकाली दल की सिर्फ इस करके दा दिलाती कि श्रोमणी कमेटी प्रधानगी किस तरीके अपने कब्जे च सो मैं तो सिर्फ अज इनी गल ये करनी सी कि तुसी देखो कि किन्ना इन्होंने गलत जरा लोगों से इंप्रैशन दिता और उस संस्था को किन्ना फिर कब्जे च करने की कोशिश की किसी सो प्यारे दर्शकों असी हुण गल करांगे कैनेडा की कैनेडा विच पिछले दिन ही हिंदू सिखां दे विच होए दरमियान आपसी तकरार के मुद्दे नू लै के प्रमुख एडवोकेट एच एस फुलका ने अपना प्रतिक्रम प्रगट करदिया होया कहा है कि कौमांतरी पद्धर ते सिखां दी अक्स नू ढा लगाण लई इह वड्डी साजिश रची गई है उन्होंने कहा कि हिंदू सिख आपस दे विच इक भरा वर्गा रिश्ता है पर कुछ लोग इन्हां भरावां नू आपस विच लड़ाउण दे लई कौमांतरी पद्धर ते वड्डी पद्धर ते साजिशां रच रहे हन उन्होंने कहा कि इस वड्डी साजिश की उच्च पद्धरी जांच होनी चाहीदी है सो आओ देखिए किस ढंग दे नाल एडवोकेट एच एस फुलका ने अपना बयान जारी किया देखो ये एक बहुत वड्डी साजिश आ ये खास करके जो पंजाब दे विच दोने सिख ते हिंदुआं दे विच कोई फर्क नहीं है पंजाब दे विच खास करके सारा बड़े सुचेत रहना चाहिए मैं तो कनेडा वालों नूं भी कहूँगा कनेडा वालों सुचेत रहना चाहिए एक बहुत वड्डी साजिश हो रही आ और इंटरनेशनल पद्धर से हो रही है ये हम कौन कौन इनवॉल्व ने वो तो हम तुम खुद ही जानते हो और नाले देखेंगे बहुत वड्डिया कोशिशां हो रही ये साड़ी अपनी ये ना समझी होएगी कि जेकर आपस में लड़े सानू नहीं लड़ना चाहिए ये जो साजिशा हो रही ताकि साजिश करने वाले वो कहीं कहते उन्होंने सफलता ना मिले तो सानू आपस दे विच कोई लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए सो प्यारे दर्शकों असी हुण गल करांगे श्री अकाल तख्त साहब वालों तनखाइया करार दिते गए सुखबीर सिंह बादल नू सजा देने दे मामले की इस संबंध में श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ने श्री अकाल तख्त साहब के पिछले दिन ही सिख बुद्धिजीवियों विद्वाना की एक विशेष एकत्रता सदी ताकि उक्त मामले के विचार वटांदरा किया जा सके इस मीटिंग उपरंत पत्रकारां दे नाल गलबात करदिया होया श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब ने दसिया कि बाकी तख्तों के सिंह साहबान के सलाह मशवरे और सिख बुद्धिजीवियों की सोच के मुताबक असी एक नवी एकत्रता सदांगे जिस विच गुरद्वारा प्रबंधक कमेटियां वख वख संप्रदावां दे मुखी अते सिख जथेबंदियां दे आगुआं नूं सद्या जाएगा अते उन्हां दी राय लई जाएगी तां कि सुखबीर सिंह बादल दे मामले दे विच एक सांझी लोक राय पैदा करके इस दा निपटारा किया जा सके उन्होंने कहा कि संगतां दे सहयोग दे नाल ही सारे उचित फैसले जिहड़े ने उह श्री अकाल तख्त साहिब तों ले जाणगे सो आओ देखिए किस ढंग दे नाल श्री अकाल तख्त साहिब जथेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह ने अपने शब्दां दा प्रगटावा कीता अकाल तख्त साहिब जी दी मसला विचार कीता उस मसले ते जो पिछले दिन ही असीं ऐलान कीता सी कि सिख विद्वानां दी सिख बुद्धिजीवियां दी राय लई जाऊगी और उन्होंने विद्वानों को कॉल किया गया और उन्होंने समेत प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सात विद्वान अज इस कतरे श्री अकाल तख्त साहब जी के पहुंचे और उन्होंने पासों जो बड़िया बेशकीम सलाहां उन्होंने अपने दित्तियां ने सुझाव अपने दिते ने और जिसे सही पास वाल अभी जा सकते हैं और आने वाले दिनों संपर्कावान के मुख्य साहबाना की जोर संस्थावान के मुख्य साहबान जी एकत्रता है भी बुलाई जा सकती है ताकि असं इस मसले असी हुण गल करांगे भारत के शहरी हवाबाजी मंत्रालय वालों जो एक नोटिफिकेशन जारी करके देश के सारे हवाई अड्डिया के उपर सिख कर्मचारियों को कृपान पहनने तो रोकने का जो हुक्म सुनाया गया है उसका श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सख्त शब्दों के प्रतिक्रम प्रगट किया गया है इस संबंधी गलबात करते हुए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि इस सीधे रूप में सिखी परंपरावां ते मर्यादा दे उत्ते मंत्रालय का खुला हमला है जिसनों बर्दाश्त नहीं किया जाएगा सो उन्होंने भारत के शहरी मंत्रालय के मंत्री नूं इस नोटिफिकेशन वापस लैन के लिए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वालों एक चिट्ठी भी लिखी गई है ज
जिस दे राही यह मंग की गई है कि सिखां दीआं धार्मिक भावनावां दी कदर करदिआं होइआं इस नोटिफिकेशन नूं तुरंत वापस लिया जाए। सो प्यारे दर्शकों, असीं हुण गल करांगे न्यूजीलैंड विच वसदीआं होइआं सिख संगतां दी, जिन्हां ने पिछले दिन ही बड़े अदब सत्कार दे नाल श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं बेनती कीती सी कि न्यूजीलैंड दे वख-वख गुरद्वारिआं दे लई श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन ते पवित्र स्वरूप जिहड़े ने ओह भेजे जाण। इसे मंग नूं मुख रखदे होए श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के वलों तखत श्री दमदमा साहब तलवंडी साहब और जथेदार सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह की देखरेख हेठ हवाई जहाज़ राही 51 पावन स्वरूप न्यूजीलैंड भेजे गए। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड हवाई अड्डे के उपर न्यूजीलैंड विच वसदियां होईयां सिख संगतां ने विशेष तौर पर पुजे गुरु साहब के पावन ते पुत्र स्वरूपां दे उत्ते फुल्लां दी वर्खा करके इन्हां दा निघा स्वागत किया गया। जिक्रयोग है कि ऑकलैंड दीआं संगतां दे वल्लों जिस ढंग दे नाल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन ते पवित्र स्वरूपां दा स्वागत किया गया वह अपने आप दे विच इक इक विलक्षण कारज सी। नगारियां ते जकारियां दी गूंज दे विच खालसाई बोले बालियां दे अंदर इन्हां पावन स्वरूपां नूं वड्डी पालकी गड्डी विच सजा के वक् वक् गुरद्वारियां दे विच सुशोभित किया गया। इस मौके पर पुजे सो प्यारे दर्शको, असीं हुण गल करांगे श्री अकाल तख्त साहब के सबका जथेदार अते पंथक लहर के मोढ़ी आगू जथेदार भाई रणजीत सिंह, जिन्हां ने पिछले दिन ही एक आयोजित किए गए गुरमत समागम के श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी और श्री अकाल तख्त समेत वक् वक् तख्तां ते काबज जथेदारां नूं आड़े हथी लैंदिआं होइआं कहा कि मौजूदा समें दे जथेदार साहिब कौम दे उत्ते बोझ बने हुए हन, जिन्हां तों वड्डी पद्धर ते छुटकारा पाउण दी लोड़ है। उन्होंने समुचियां सिख संगतां नूं कहा कि आउण वालीआं श्रोमणी गुरद्वारे प्रबंधक कमेटी दीआं चोणां दे विच ओह साफ सुथरे अक्स वाले उम्मीदवार जिता के सिखां दी मिनी पार्लीमेंट विच भेजण तां कि उत्थे चंगे ते योग व्यक्ति जिहड़े ने वो कार्य कर सकन। सो आओ देखिए किस ढंग दे नाल जथेदार भाई रणजीत सिंह ने अपने शब्दों का प्रगटावा किया। इनू जिंदा रखने लिए अपना अपना योगदान पाइए, असी ये गुरु नानक की सच्ची सरकार नू कायम करने लिए अपना योगदान पाइए ताकि साडा धर्म जिंदा रहे, गुरु के सिद्धांत जिंदे रहन। ये राजनीति जिहड़ी अपने आप थां ते आ जाऊगी जे साडी गुरु नानक की सरकार तकड़ी रही, अकाल पुरख नूं भौंदी रही तो साडा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जदों प्रबंधक कमेटी चंगे हत्थां च आई, अकाल तख्त भी गुरमुखां दे हत्थ च आऊगा, उदों अकाल पुरख की कृपा नाल सारी कौम साडे अकाल तख्त दी पिठ ते खलोती होगी, उदों साडा कोई वाल नहीं विंगा कर सकता, उदों सरकारां इस तख्त दे पैरां च फिरनगियां। अज इन्हां झूठियां सरकारां ने अकाल तख्त नूं पैरां थले लताड़िया होया, इनू आपां कढ़ना, आपां गुरु घर नूं बचाउणा। ये जिहड़े 20-30 लख रुपया लैके 100 बंदा साल बाद जता देता इन इबादत दे बंदे नूं, तो टंडोरा पिटदा पंथ जित गया, इहदे 100 बंदे दा पंथ बन गया। 15 सालां तों इलैक्शन नहीं होई ते 100 बंदा वोटां पाउंदा ते इहदे बंदे नूं जतांदा, फिर टंडोरा पिटदा पंथ जताता संगत ने। संगत ने कित्थों जताता? संगत तेरे सिर सुआह पाऊगी जदन वोटां पाउण दा मौका मिलूगा, उदन तेनू पता लगू पंथ कित्थे वसदा। 15-20 जिलियां दे जथेदार ने वो प्यो तो लैके 25-30 साल तो एक साल उहनू चिट्ठी देंदे ने, अगले साल उहनू चिट्ठी देंदे, इन्हां दा अकाली दल दा पंथ चली जांदा। सो प्यारे दर्शको, असीं हुण गल करांगे गदरी बाबिआं नाल संबंधित ओह इतिहासक जहाज़ कामागाटा मारू दी, जिसनों की बड़े इतिहास के सुनहरी अखरों के लिखा गया है कि किस ढंग के नाल गदरी बाबिया ने कामागाटा मारू जहाज़ में सवार होकर अपनी गदर लहर को होर मजबूत करने का दावा किया। सो इस मुद्दे को लैके पिछले दिन ही सिख स्टूडेंट फैडरेशन के प्रधान भाई गुरचरण सिंह गरेवाल और उन्होंने साथियों ने एक मंग पत्र श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार को सौंपिया, जिस विच मंग की गई कि कामागाटा मारू जहाज़ का नाम गुरु नानक साहब के उपर रखा गया सी, जिसनों की गुरु नानक साहब का जहाज़ किया जाता है। सो इतिहास के सही तत्थों को उजागर करने के लिए कामागाटा मारू का नाम गुरु नानक जहाज़ रखा गया जाना चाहिए है और रखा गया सी। सो इसे लिए किताबों के भी कामागाटा मारू का नाम जिहड़ा है वह गुरु नानक साहब का जहाज़ होना चाहिए है। सो इस मुद्दे को लैके उन्होंने कहा कि देशों विदेशों में वसदियां हुई वख-वख सिख संगतां ते सोसाइटियां दे वल्लों लगातार ये मंग की जा रही है कि इतिहास के असल तत्थों
सामने लिया जा सके। सो इस कनेडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने 18 मई 2016 के इस वितकरे की उस देश की धरती वालों किए गए की माफ़ी भी मंगी है, पर मैं ये दसदा कि फिर की है भी वो जो जहाज है उतों चल के कलकत्ता के बजबज घाट च आ जाता जो कि आजादी का संघर्ष उदो चल रहा हों गदरी बाबा का। वह 29 सितंबर 2014 पहुँचता उस जहाज का जो नाम उदो रख्या गया सी, वो जहाज का नाम रख्या सी गुरु नानक जहाज। उसे कंपनी बनाई गई सी गुरु नानक स्टीमशिप कंपनी बाबे ने बनाई सी बाबे गुरदित सिंह होना ने ते उन्हां दे होर साथियों ने ते फिर उस जहाज का नाम रख्या सी गुरु नानक जहाज। क्योंकि गुरु नानक जहाज इस करके रख्या सी कि जिहड़ा फलसफा गुरु नानक देव जी का वह सभी सांझी वाल का सी, जिहड़े उस यात्रू जिहड़े प्रवास कर रहे सी उहदे च सिख वड्डी गिणती सी, मुसलमान भी सी, हिंदू भी सी। तो इस करके वो एक वड्डी इतिहासक घटना सी क्योंकि सिखा ने उस जहाज नूं खरीदिया ते उहदा नाम रख्या। वो जहाज जदों बजबज घाट ते पहुँचदा कलकत्ते इत्थे जिहड़ियां अंग्रेज़ दीआं फोर्सां सी उहनां नूं उत्तर नहीं दिंदियां ते बहुत ज़्यादा उहनां दा तकरार हुंदा ते अखीर ये गल बनदी आ कि असीं तुहानूं गिरफ़्तार करांगे। तो उस गिरफ़्तारी के विरोध के संगत यह गल कहती सी क्योंकि जो जहाज चलिया ना उहदे विच गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश होया, सचखंड बनाया गया, उत्ते केसरी निशान झुलिया। तो उस तो बाद सिखां ने यह गल कही, उतों के यात्रुओं ने कही कि सब तो पहला गुरु ग्रंथ साहिब जी का जिहड़े सरूप है वह गुरद्वारा दे विच स्थापित किए जाएंगे, फिर तुसीं सानूं गिरफ़्तार कर सकोगे। तकरार बढ़िया 19 या 20 बंदे इतिहास के मुताबिक वो जिहड़े आ उत्थे अंग्रेज़ की गोली दे नाल वो चढ़ाई कर जाते हैं। ये बड़ी वड्डी एक घटना सी, अंग्रेज़ का जिहड़ा जुल्म सी देश के कहते अंग्रेज़ों के खिलाफ एक जदों जदों चल रही थी, तो वो जिहड़ा जिहड़ा जहाज है गुरु नानक जहाज फिर उत्थे फड़ लिया गया। उस तो बाद जिहड़ा इन्हां नूं सारयां नूं गिरफ़्तार करके जानकारी ये है कि बाबा गुरदित सिंह हुणी जिहड़े आ वह गिरफ़्तार नहीं हुए। तो अज का साढ़े इत्थे आउण दा मंतव यह सीगा कि इतिहास का एक पन्ना वा जिहड़ा कि जिवें अंग्रेज जिवें कनेडा ने इस गल लई माफ़ी मंगी है कि छोटी जी गल नहीं है, असीं यह चाहुंदे आ क्योंकि जिहड़ा कामा गाटा मारू आ वह जिहड़ा शब्द आ वह जापानी शब्द है जिहदा कोई अर्थ साडे इतिहास दे नाल संबंधित नहीं है। सो क्योंकि उस समय जिहड़ा कुछ सिखां ने कीता सी उन्हां समयां 'च इन्ने वड्डे पैसे खर्च के जिहड़ा जहाज खरीदिया सी उहदा नाम गुरु नानक जहाज सी। असीं यह चाहुंदे आ सिंह साहब नूं अज असीं इहो ही एक मंग पत्र बेनती पत्र दिता कि साढ़े इतिहास के अंदर साडे अजायब घर के अंदर ये साडे जिहड़े भी कोई किसी तरह की कोई फिल्म बनती आ किसी तरह का कोई भी सभ्याचार के अंदर जिहड़ा कामा गाटा मारू आ उहनूं पिछे किया जाए, गुरु नानक जहाज का जिक्र किया जाए क्योंकि ये सिखां दे विरसे नाल जुड़ी हुई गल आ सिखां दे। सो असीं हुण फिर गल करांगे कनेडा दे विच पिछले दिन वापरियां शर्मनाक घटनावां संबंधी अपना प्रतिक्रम प्रगट करदिआं होइआं तखत श्री दमदमा साहब तलवंडी साहब उहदे जथेदार सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा सी सिख कौम कदी भी दूसरे मजहबी स्थानां ते कदाचित भी हमले नहीं करदी। उन्होंने कहा कि जिन्हां लोकां ने यह शरारत की है उसका पर्दा बेनकाब होना चाहिदा है। उन्होंने कहा कि सिख धर्म हमेशा ही सर्वसाझीवालता का होका दिंदा है। उन्होंने कहा कि हिंदू सिखां दे विच पाड़ पाण दे लई इह जो कोझी शरारत कीती गई है उसके प्रति सरकार नूं इस दी वड्डी पद्धर ते जांच करवानी चाहीदी है। सो आओ देखिए किस ढंग दे नाल सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने अपना प्रतिक्रम प्रगट किया। पहला भी ये कह चुके हैं कि लंबे समय तो ही सिखां दे खिलाफ बरदान सरदे जा रहे हैं, कोई मंदिर के उत्ते हमला नहीं होया, सिर्फ मंदिर के बाहर एक झड़प हुई है तो वो जी झड़प हुई वह भी मंदभागी है, नहीं होनी चाहिए सी, लेकिन मंदिर के बाहर हुई झड़प में जोड़ा है मंदिर के उत्ते हमला जोड़ा करदानिया गया और पेश किया गया ये बहुत मंदभाग है। तुम देखो कि 1984 के दहाके के दौरान पंजाब के हालात किन्ने खराब रहे ने, उस समय भी भारतीय फौज ने हालांकि 35 गुरुद्वारा साहबान के उत्ते हमला बोलिया सी, लेकिन बदले दे विच किसे सिख ने पंजाब दे विच कदे किसे मंदिर दे उत्ते हमला नहीं किया। सिख कदे किसे दे धार्मिक स्थानां दे उत्ते हमले नहीं करते होंगे। हाँ 1984 के नवंबर के पहले हफ्ते जिहड़ा भारत दे विच सिखां दा नरसंहार होया सी उस दौरान गुरुद्वारा के उत्ते हमले जिहड़े आ उह जरूर होए सी। कनेडा की धरती के उत्ते मंदिर के बाहर एक छोटी जी हुई झड़प में भारतीय मीडिया ने खास तौर के उत्ते और सोशल मीडिया के उत्ते बैठे हुए शरारती अंसरां ने जिहड़ा है
सिखां वल्लों मंदिर दे उत्ते हमला जिहड़ा उह करदानी आ इह बहुत गलत है। सिखां खिलाफ बरतान सिरजिआ जा रिहा है। उल्टा माल्टन गुरद्वारे दे उत्ते जिहड़ा है बाहर गड्डियां दी भन्न तोड़ जिहड़ी इह कीती है कुछ शरारती अंसरां ने उह मंदभाग है। मैं समझता हाँ कि इह कोई हमला नहीं है किसी मंदिर दे उत्ते और ना ही सिख किसी दे धार्मिक स्थान दे उत्ते हमला कर रहे हैं। सो प्यारे दर्शकों असीं इक वारी फिर गल करांगे इतिहासक स्थान नौवीं पातशाही श्री बाबा बकाला साहब की जिस दे सुंदरीकरण के प्रोजैक्ट नूं लै के कार्ज बड़े वड्डे पद्धर ते चल रहे हैं। इस कड़ी के तहत समुचा गुरद्वारा कंपलैक्स की परिक्रमा अंदर नवें सिर तो संगमरमर लगाने की कार सेवा संत महापुरशां वल्लों चल रही है। इस संबंधी जानकारी दिंदिआं होइआं गुरद्वारा साहब के मैनेजर सरदार गुरप्रीत सिंह ने कहा कि उक्त सेवा दे विच संगतां दे वल्लों वड्डे पद्धर ते जिते सहयोग किया जा रहा है उत्थे नाल ही गुरद्वारा साहब की दिख नूं होर सुंदर बनवाउण दे लई वधिया संगमरमर लाने की तैयारी चंगी पद्धर ते चल रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही यह समुचा कार्ज आने वाले गुरु पातशाह के शहीदी दिहाड़े तो पहला मुकम्मल होने की पूरी संभावना है। सो आओ देखिए किस ढंग दे नाल उन्होंने अपने शब्दों का प्रगटावा किया। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दास गुरद्वारा गुरु श्री तेग बहादुर साहब तप स्थान भोरा साहब का मुख्य सेवादार होने के नाते समूह संगत दसना चाहता हाँ कि गुरद्वारा साहब की जी परिक्रमा की संगमरमर की सेवा सी जी कि जी फरसरी जी हालत है वह खस्ता हो चुकी सी। जी कार सेवा संगमरमर लाने की साढ़े बहुत ही सत्कारयोग जथेदार हरजिंदर सिंह जी धामी प्रधान श्रोमणी कमेटी के दिशा निर्देशों के अनुसार जिन्होंने ये सेवा संत बाबा भोला सिंह जी सराली साहब वाले तो संत बाबा गुरनाम सिंह जी यूपी वाले उन्होंने राही ये सेवा जी इतने बाबा बब्बू जी ने करवा रहे हैं। सारी दरबार साहब के आले दुआले जिनी भी परिक्रमा है उस संगमरमर की जी सेवा वो चल रही है। बहुत संगतों का सहयोग मिल रहा है। मैं संगतों को भी बेनती करना कि सेवा के अपना बनता योगदान पा के तो प्यारे दर्शकों ये सन हुण तक दीआं प्रमुख पंथक सरगर्मियां। नवीं पंथक सरगर्मियां लैके जल्द ही तुहाडी सेवा विच मुड़ हाजिर होवांगे। तद तक लई दिओ इजाजत। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।